अभय का देवता। विराट विश्व को अभय, अद्वेष और अखेद का दिव्य संदेश देने वाले भगवान महावीर ने साधना पथ पर चलने वाले साधक को संबोधित करके कहा, साधको, तुम स्वयं अपने बैरी हो और स्वयं ही अपने परम मित्र भी। जब आत्मा क्रोध के क्षणों में होती है तब अपना बैरी, और जब क्षमा के क्षणों में होती है तब अपना मित्र। एक तपस्वी था, शिष्य के बार बार कुछ कह देने पर तपस्वी को क्रोध आया और मारने दौड़ने पर रात के अंधेरे में खंभे से टकराकर मर गया। तपस्वी मरकर भी अपने तपोबल से फिर तापस बना, आश्रम का अधिपति बन गया। नाम था चंड कौशिक तापस। एक बार आश्रम में ग्वाल बाल फल फूल तोड़ने के अभिप्राय से आ घुसे और फल फूल तोड़ने लगे। चंड कौशिक ने देखते ही ललकारा, किंतु वे फिर आ घुसे। अब की बार चंड कौशिक को प्रचंड क्रोध आया, कुल्हाड़ी लेकर दौड़ा मारने के लिए। क्रोधावेश में ध्यान न रहने से कूप में जा गिरा और मर गया। प्रचंड क्रोध के क्षणों में मृत्यु होने से वो चंड कौशिक तापस उसी वन में विष दृष्टि सर्प बन गया। विषधर और भयंकर सर्प के भय से भीत होकर लोगों ने उधर जाना आना बंद कर दिया। एक बार परम प्रभु महावीर साधना करते करते जा निकले उस वन में। देखने वाले लोगों ने जाने का निषेध भी बहुत किया, पर अभय को भय क्या। क्षमा श्रमण महावीर को विष दृष्टि चंड कौशिक नागराज ने जो ही देखा कि फुफकार करने लगा, विष ज्वाला उगलने लगा। वीर प्रभु भी उसके बिल के पास ही अडिग और अमिट होकर स्थिर खड़े रहे। क्षमा और क्रोध का संघर्ष काफी देर तक चलता रहा। उसने अपना तीक्ष्ण दंश भी मारा भगवान के चरणों में। वहां तो खून के बदले दूध की धारा बह निकली, वो हार गया। क्रोध पर क्षमा की विजय, अमृत ने विष को जीत लिया। परम प्रभु महावीर ने शांत और मधुर स्वर में कहा, चंड चेतो, जरा सोचो समझो, तुम कौन थे, क्या बन बैठे हो। वो समझा और तब से लोगों को उसने अभय देना सीखा। लोग उसे मारते तब भी शांत रहता। अपने जीवन के क्षण पूरे करके वो देव बन गया।